गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज भोपाल का मौसम बहुत सुहाना हो गया है और आज टेम्परेचर हमारे भोपाल का है 14 डिग्री और सुबह के 8 बज रहे हैं। तो आज हम अपने ब्रिंजल हैं जो बहुत सारे लगे हुए हैं, मैं आज हार्वेस्ट करने वाला हूं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, देखिए मेरे ब्रिंजल्स हैं कितने, जरा से कंटेनर में लगाए थे प्लास्टिक के, और ये मैंने पीवीसी का पाइप का पॉट स्टैंड भी मैंने ही बनाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हार्वेस्टिंग अपनी शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा बैगन का है, लंबा वाला बैगन है, आज हम इसको काटने वाले हैं। देखिए ये एक बैगन है हमारा और एक ये बैगन है, और ये देखिए इसमें इतने सारे गुच्छे लगे थे तो इसमें से ये वाला तोड़ लेते हैं। देखिए ये इनके कलर्स लाइट हो रहे हैं इसलिए हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, हालांकि पहले बहुत डार्क था बट अब इसमें लाइट हो गया। ये एक देखिए कितने सारे गुच्छे लगे हुए, एक और है इसमें, बाकी इन तीन को मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, क्यों काट ले, ये भी काट लेते हैं और ये भी तोड़ लेते हैं। ये छोटे वाले बैगन है और साथ ही साथ मेरे टमाटर की भी, ये भी देखिए टमाटर की शानदार ग्रोथ हो रही है, अच्छी खासे टमाटर लग चुके हैं जरा से कंटेनर, बड़ा मजा आता है इन लोग को सबको देख के। और एक ये मेरा बैगन है, देखिए इसको भी काट लें, कि मैं सोच रहा हूँ अभी इसको और थोड़ा बड़ा होने देते हैं भरते के लिए सोच रहा हूँ मैं इसको। और ये मेरे करेले भी लगना शुरू हो गए और देखिए इसमें कितने सारे लगे हुए फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब इतने से गुच्छे में ये चार तो इधर लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और देखिए साथ में एक बड़ा और साथ में ये देखिए इसके कितने सारे गुच्छे लगे हुए हैं इतने से में, और साथ में एक बड़ा हो गया। तो आज हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको भी काट लेते हैं हम लोग। तो आज मैं तो सोच रहा हूँ बैगन के भजिए ही बनाए जाए। और एक ये देखिए और नीचे देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, और ज़्यादा से प्लास्टिक के कंटेनर में लगे हुए हैं, आप यकीन मानिए, और सब मेरा घर का नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोस्ट से ही बनाया हुआ है। ये वाला एक तोड़ लेते हैं, बड़ा काट लो इसको, ये देखिए, और बाकी को दो को छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि ये देखिए कितना शानदार बैगन है, ये यकीन मानिए आप, और इसमें भी हालांकि बहुत सारे और लगे हुए हैं तो अभी इसको छोड़ देते हैं। ये एक और इसको भी काट लेते हैं, ये भी ठीक दिख रहा है साइज में, ये देखिए, और एक ये भी तोड़ लेते हैं। ये देखिए मेरी डलिया भरने वाली है, और दो एक गमला मेरा इधर भी है, ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया है, ये देखिए ये जरा से मेरे गमले में लगा हुआ है, जरा से गमले में लगा हुआ है देखिए, और ये देखिए कितना शानदार है, ये देखिए वाह। और एक लगा छोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि ये देखिए कितना शानदार फ्रेश ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल वाला। और एक देखिए ये मेरा छोटा सा इसमें लगाया, तो इसमें भी लग रहा है बट ये छोटा है, अभी इसको छोड़ देते हैं। और फाइनल देखिए मेरे साथ मेरे पास कितने सारे डलियाँ में भर गए। और एक ये देखिए इसको मैंने जरा से टब में लगाया है और इसकी भी फ्रूटिंग अच्छी खासी हो रही है, देखिए इसको भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये छोटे से हैं इसलिए साइज़ ज़्यादा इसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बढ़ने के लिए। और ये देखिए ये कितने सारे इधर लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं, और ये एक लग रहा है देखिए, इसको भी तोड़ लेते हैं, ये देखिए ये वाला वाव, बम्पर हार्वेस्टिंग है फ्रेंड्स मेरी, देखिए मुझे इतनी खुशी हो रही है, शायद आधा किलो तो हो गया होगा, ज़्यादा ही ऊपर लग रहा है आधा किलो। और एक बैगन की वेराइटी देखिए, इसको भी हम ग्रीन वाला है तोड़ लेते हैं इसको भी, ये देखिए, और
एक ये देखिए, ये लग रहे हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। और ये छोटा सा है अभी, और इधर तो अभी है नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज मेरे कितने सारे बैगन हो गए, कम से कम, बाप रे, आज पहली बार मैंने इतने सारे बैगन हार्वेस्ट किए। और ये सब मेरे रूफ टॉप होम गार्ड किचन गार्डनिंग का कमाल है, मतलब 15-16 बैगन है इसमें टोटल। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसी रूफ टॉप किचन गार्डनिंग करिए, बड़ा मज़ा आता है, घर के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाइए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।